नहीं मैंने ऊपर चढ़ा दो वैक्यूम क्लीनर यार, नहीं नहीं मेरे तुम ऊपर चढ़ा दो वैक्यूम क्लीनर यार, पूरे गार्बेज फोर में जाकर रखा वैसा नहीं, तो ये तुम लोगों ने आज करनी है। नहीं तू ठोक ले, नहीं नहीं भाई तू ठोक ले, मेरे मुंह पे ठोक ले, मेरी छाती पे ठोक ले, नहीं तू मेरे कैरियर पे ठोक ले भाई, आज तू ठोक ले, तू तो आज आईफल टावर खड़ा करके रहेगा ना। हेलो, हाँ आजी यार, आ जा यार, ग्रुप स्टडी का डेरा लगा था यार, सुबह से कुछ भी नहीं पढ़ा। डेरो यार, यार मतलब ग्रुप स्टडी करते हैं यार, जल्दी आ। चल ओके, मैं आ रहा हूँ। हाँ ओके। तो हेलो भाई और बहनों, आज हम बात करेंगे ग्रुप स्टडी की और ग्रुप स्टडी में होने वाली अजीबोगरीब हरकतों की। तो भाई दुनिया में ऐसे लड़के हैं ही नहीं जो मिलकर ग्रुप स्टडी का भाई है कुछ लड़के। तो भाई वो फिर लड़के नहीं, भाई हर लड़के के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होती है जो उसे ग्रुप स्टडी करते वक्त काटती है। भाई इस बात का कोई हल नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई जब भी ग्रुप स्टडी 5-10 मिनट के लिए अपनी संजीदगी के अरूज पर होती है तो दिमाग से पैदल इंसान हो ही नहीं सकता कि अपनी तोड़ के बाद बीच में ना घुसाए। ये बात होता है कि ग्रुप स्टडी का मतलब है कि 5-6 चेहरे मिल जो जिन्होंने पूरा साल किताब को अपने मुंह के सामने से नहीं गुजारा, लेकिन वो भी क्या करते हैं कि भाई एक ना एक लड़का ऐसा बीच में जरूर डाल देते हैं जिसको पूरा कोर्स रट्टा हुआ हो, तो फिर भाई वो लड़का भी इनको अजीबो गरीब गालियाँ अजीबो गरीब जुबान में देता है, लेकिन उसे भी पता होता है कि अगर मैंने इनको कुछ बोला तो इन्होंने मेरी सीरी की कहंदी सीरी कर देंगे, तो वो भी बस इतना ही बोलता है। क्यों अपनी अकल नहीं है, कुछ अपना नहीं बना सकते, चुरा चुरा के बनाना है, चुरा चुरा के चोरी की आदत नहीं जा रही, और फिर चोरी और फिर सीना जोरी। भाई ग्रुप में एक ना एक ऐसा लड़का जरूर होता है जो अजीबो गरीब हरकतों तो में मुबतला होता है और अपने साथ दूसरों को भी कहता है भाई तुम कुछ करके दिखाओ, फिर इससे भी ज्यादा चढ़ा हुआ इंसान बोलता है भाई मैं कुछ करके दिखाऊं। हाँ करके दिखाओ। भाई ये ऐसी हरकतें होती हैं जिनको देखने के बाद बंदे का खून निकल जाता है। भाई ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा पढ़ने के बाद ये लोग घड़ी को इस तरह देखते हैं जैसे पूरे दिन तो किताब को देखकर अपना हल्का कर रहे हो। दिल भाई 5-10 मिनट के बाद आवाज आती है, भाई साहब मैं बहुत दर्द हो रहा है, क्या अपनी मम्मी के हाथ की अच्छी सी चाय पिला देगा। तो ये तमाम हरकतें देखने के बाद जिस लड़के ने इनको पेपर की तैयारी के लिए घर बुलाया होता है वो भी अपने पेपर की फिक्र छोड़ ऊपर वाले से दुआ करता है मेरे अल्लाह इन आतंकवादियों को मेरे घर से निकाल। तो ये तमाम हरकतें देखने के बाद जिस लड़के ने इनको पेपर की तैयारी के लिए घर बुलाया होता है वो भी अपने पेपर की फिक्र छोड़ ऊपर वाले से दुआ करता है मेरे अल्लाह इन आतंकवादियों को मेरे घर से निकाल। तो भाई इतनी मेहनत के बाद जब इनका रिजल्ट आता है तो भाई कोई और फेल हुआ ना हो ये ग्रुप चट्टी वाले पहले फेल होते हैं, और इनमें से एक ढीठ इंसान बोलता है वन पीस ऑफ पेपर कैन डिफाइन अवर फ्यूचर यार, लेकिन इसको भी पता होता कि भाई घर जाकर मेरी सड़क छाप कुत्ते से ज्यादा गंदी होनी है। तो भाई इन तमाम हालात के बाद आगे की बात पीछे से आती है और टीचर बोलता है के लिए यार इतना ही। तो अगर आप ये वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक कमेंट शेयर जरूर करो, और अगर यार आपको मेरी रोस्टिंग पसंद आ रही है तो कमेंट में मुझे जरूर बताओ ताकि मैं आइंदा भी रोस्टिंग वीडियोस लाता रहूँ। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ਮਾਜਾ ਕਿਤੇ ਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਛਿੜਕਾ ਜਾ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਲਕਾ ਜਾ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਕ ਪੰਜਾਬਣ ਪੰਜਾਬਣ।